डिपार्टमेंट्स की जो सामान खरीदने के टेंडर लगाए जाते हैं उसमें वो उसको हाई पावर परचेज कमेटी में हम लोग नेगोशिएट करके और जितना पैसा बचाया जा सके उसकी कोशिश करते हैं। आज कुल मिलाकर के 23 आइटम्स थी और उन 23 आइटम्स की कुल राशि 1,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा बनती है। मुख्य रूप से आज उल्लेख करने लायक कि हमने 5 लाख टेबलेट्स जो बच्चों को दिए जाएंगे, पहले चरण में 11वीं और 12वीं के बच्चे जो अगले वर्ष 11वीं 12वीं में होंगे उनको सप्लाई होगा, क्योंकि अभी 3 महीने की सप्लाई का टाइम पीरियड है, इसलिए इस क्लास को न दे करके हम अगले वर्ष की जो 11वीं 12वीं क्लासेस उनको देंगे और हर वर्ष ऐसे दो दो क्लासेस को बढ़ाएंगे। तो 5 लाख टेबलेट्स ये लिए गए हैं जिनकी राशि लगभग 560 करोड़ रुपये बनती है। ऐसे ही किसानों के जो ट्यूबवेल्स की डिमांड है उसको देखते हुए 15,000 ट्यूबवेल्स के जो कनेक्शंस हैं वो लगाने के लिए भी आज हमने टेंडर्स जो हैं 7 टेंडर वो भी क्लियर किए हैं जिसकी राशि लगभग 350 करोड़ ये बनती है। तो ऐसे 23 टेंडर जो हैं आज किए गए हैं और बहुत ही एक कंपटीशन पैदा करके और नेगोशिएट करके ये सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। हरियाणा के सभी 11वीं 12वीं के छात्रों को मिलेंगे सरकारी स्कूलों में। अगले वर्ष जो है एक कक्षा उसमें और बढ़ा देंगे, हर वर्ष एक एक कक्षा उसमें बढ़ाते जाएंगे। सर, एचपीएससी का जो मामला है सर, आपको जानकारी है, आज कांग्रेस के नेता यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि पहले लाखों में नौकरी बात हो रही है, प्रिंट केस में ही नौकरी जो है वो बिक रही है, तमाम तरह के आरोप मान रहे हैं कांग्रेस सरकार, मेरा कहना है कि राजनीतिक तौर पर आलोचनाओं की कोई सीमा नहीं, जितनी कोई करना चाहे, विपक्ष का ये काम होता है खूब करें, लेकिन हमने ये कहा है कि भ्रष्टाचार को रोकने का हमारा काम है। हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए चाहे पूर्व की सरकारों में हुआ हो चाहे हमारे समय में भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो लूपोल्स हैं उसको बंद करने के लिए कोई भी अधिकारी कोई कर्मचारी जहां पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अंतर इतना ही है कि पहले वो अपने समय में ना कर्मचारी ना कोई अधिकारी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते थे, हम किसी को छोड़ते नहीं हैं। हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करना और उसका जो बीड़ा उठाया हुआ, मैं तो कहता हूँ कि अगर विपक्ष के पास इस प्रकार की कोई चीज़ें कोई जानकारियाँ हों तो निश्चित रूप से उनको हमको बतानी चाहिए। हमको नहीं बताएं तो विजिलेंस को बताएं, विजिलेंस को नहीं बताएं तो थाने में बताएं, थाने नहीं बताएं तो कोर्ट में ले जाए, कहीं ना कहीं उनको जाना चाहिए। केवल आलोचना के लिए आलोचना करना उनका धर्म है, करते रहे, लेकिन उसका कोई असर नहीं है, पब्लिक पर भी असर नहीं है। पब्लिक आज जानती है कि गरीब परिवारों में किस प्रकार से नौकरियाँ मिल रही हैं और हमने तो ऐसे परिवार जिनके अंदर नौकरी नहीं है उसके घर उसके परिवार के सदस्य को यानी एप्लीकेंट को 5% मार्क्स बल्कि 10% मार्क्स बाकी चीज़ों को मिला करके मिलते थे, जो हमने अभी 5 किए हैं। लोगों की डिमांड के ऊपर कि 10% थोड़ा ज़्यादा लगते हैं तो उसको वापस 5% किया है और बाकी जो और श्रेणियां हैं जिनको लाभ मिलना चाहिए उनको भी मिलता है। और जिस कारण से आज बच्चे पढ़ाई की ओर आकर्षित हो रहे हैं, चाहे कोचिंग सेंटर्स है, चाहे स्कूल शिक्षा है, चाहे कॉलेज शिक्षा है, सब में बच्चों की रुचि बनी है। अब जो फिर वही मैं शब्द बोलूँगा, पर्ची और खर्ची कभी नहीं चलेगी, आगे भी हमने रास्ते बंद कर दिए, कोई इस रास्ते पर आ भी नहीं सकेगा। ऐसे बहुत लोग मैं जानता हूँ जो अब यानी शेखी बघारते थे कि मैंने अपने क्षेत्र के अंदर इतने लोगों को नौकरी दिलाई, मैंने अपने क्षेत्र में इतने लोगों को दिलाई। आज कोई भी प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि मैंने दिलाई, हम देने वाले नहीं हैं, सामने वाले का लेने वाले की क्वालिफिकेशन की मेरिट उसका जो प्रतिभा है वो हमसे लेकर के जाएगा नौकरी, उसका एक सिस्टम है, सिस्टम में कोई लूप हो तो उसको चेक करना ही हमारा काम। एचपीएससी के दफ्तर में कोई पैसा नहीं मिला है, केवल उनके घर में मिले हैं, उसके बटुए से पर्ची मिली है, उसकी सारी की तहकीकात हो रही है। जो लोग पकड़े गए हैं उनको अभी रिमांड पर लिया हुआ है, जहां जहां तक विजिलेंस का हाथ पहुंचेगा वहां वहां उन कल्प्रिट्स को पकड़ा जाएगा। इससे पहले भी हमने पेपर जो कैंसिल किए थे, जो पेपर लीक हुए थे उसको कैंसिल किए, तो 48 लोग उसमें पकड़े गए हैं और उसकी जो जड़ें हैं वो केवल हरियाणा के अंदर ही नहीं, वो हैदराबाद है, वो यानी नोएडा है, जम्मू कश्मीर है। 48 लोग पकड़े जाना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना एक बड़ा ऑपरेशन किया है। कांग्रेस के समय में केवल 7 या 8 एफआईआर हुई, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, सबको या तो बेल पर छोड़ दिया या कोर्ट से छूट गए या कुछ भी, कोई सबूत देने के अभाव में सब लोग छूटे हैं। हमारे यहाँ जो सबूत है उसको कोर्ट के अंदर ले जा करके उनको सजा दिलाना ये हमारा काम है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, विपक्षी जो आज बोलते हैं उन्होंने अपने समय में उस लड़ाई को भी लड़ा नहीं, हिम्मत ही नहीं की उस लड़ाई को लड़ने की।